या हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है, उसके फॉर्म आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर दे सकते हैं और आपको इस 1500 रुपए का भुगतान जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। आज हमने मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है और जो संगठन में पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आज बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में ये बैठक है और निश्चित रूप से कि आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड से रिपोर्ट लेकर आए हैं, उसके आधार पर हम अगली रणनीति बनाएंगे और इसी प्रकार जो भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमारी सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। महिलाओं से सम्मान के कार्य किए हैं, पहली बार महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है कि 1500 रुपये का हमने उन्हें मासिक प्रति माह सम्मान निधि देने की बात की है, 18,000 रुपये साल की बात की है। उसमें भी हमने जो रिप्रेजेंट किया था उसमें चुनाव आयोग ने हमारी आधी बात को स्वीकार किया है कि वो जो फॉर्म है वो अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए सभी महिलाओं को भी अवगत करवाना चाहता हूँ। हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है, उसके फॉर्म आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर दे सकते हैं और आपको इस 1500 रुपए का भुगतान जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। धन्यवाद।